हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप हमारे शैडो व्लॉग की लेटेस्ट अपडेट में देख पा रहे होंगे स्कूटी की राइड चल रही है, जिसके ऊपर अवेलेबल है हमारी फीमेल रोटवीलर की डॉग कैली। जी हाँ, देख पा रहे होंगे ये काफी दिनों से बीमार चल रही है, जिसका हमने ट्रीटमेंट घर पे भी किया है काफी लगातार टाइम से सुबह शाम, लेकिन रिकवरी है लेकिन कम है दोस्तों। अभी हम इसको लेके जा रहे हैं वेटनरी हॉस्पिटल। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में रेगुलरली कैली कैसे राइड के लिए स्कूटी पे बैठी है। पहले से बेटर है ये, लेकिन अभी इसकी बीमारी दिन प्रतिदिन कम तो हो रही है, लेकिन कम उसमें देखा जाए तो इसमें रिकवरी कम आ रही है। इस वजह से आज हम इसका कुछ ट्रीटमेंट चेंज करने के लिए इसे अभी अभी वेटनरी हॉस्पिटल लेके पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे हम हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जी, ये हमारे गाँव का हॉस्पिटल है। हम लेके आ चुके हैं अपनी रोटवीलर ब्रीड की डॉग कैली को। अभी कैली को उतार देंगे, अभी डॉक्टर से हमें कुछ दवाइयाँ चेंज करके करवाएंगे, बात करेंगे। तो देख पाए होगे अभी डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है हमें, जो बदल दी है। पहले टैक्सिन की जगह सेटोजोन इंजेक्शन लगा दिया है एंटीबायोटिक के रूप में। अभी इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है पहले से। अभी हम डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर इसको इंट्रावेन इंजेक्शन लगाएगा। जी आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर इंजेक्शन को लोड कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में इसको इंट्रावेन्स, नस में वेन्स में जो लगता है उसको इंट्रावेन्स बोलते हैं दोस्तों। अभी देखते हैं इसको इंट्रावेन्स इंजेक्शन लगवाते हैं। अभी लगाते हैं इसको इंजेक्शन। आप देख पा रहे होंगे वेन्स को ढूंढा जा रहा है। इसका ट्रीटमेंट दोस्तों हम अपने आप से करते हैं, क्योंकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, कुछ डॉक्टर्स की हेल्प लेता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया इसको। तो अभी हम कैली को वापस घर लेके जा रहे हैं। कैली बैठ चुकी है स्कूटी के ऊपर, अभी हम चलते हैं घर के लिए वापस। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कैली चल पड़ी है हमारे साथ घर के लिए वापस। अभी हम वापस घर के लिए चलते हैं दोस्तों। अगर आपके डॉग को भी कोई भी किसी प्रकार की डिजीज है, आप हमसे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, जितना हमें पता होगा हम आपकी हेल्प बेस्ट करेंगे बिल्कुल। आप देख पा रहे होंगे इंजेक्शन का शेड्यूल 3 दिन का है दोस्तों। बीडी डोज है, सुबह शाम की लगेगी। 500 mg का इंजेक्शन है। अगर आपको अपने डॉग के लिए कोई भी सजेशन लेना है हमसे कुछ भी, तो आप उनसे पता कर सकते हैं। अभी कैली को हमने वापस स्कूटी पे बैठा लिया है, हम घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए कैसे राइड का मजा ले रही है कैली, हमारी रोटवीलर फीमेल डॉग जो हमारे साथ है। अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। स्कूटी की स्पीड काफ़ी बढ़ा दी है स्कूटी के राइडर ने, लेकिन कैली बिल्कुल आराम से बैठी। आप देख पा रहे होंगे हम घर की तरफ पहुंच रहे हैं वापस। हमने इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक चल रहे थे उसको चेंज करवा दिया डॉक्टर से। अभी दोस्तों हम घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं, कैली हमारे पास में है, साथ में स्कूटी के ऊपर बैठी है। स्कूटी की स्पीड से आप अंदाजा लगा रहे होंगे स्पीड ब्रेकर के कारण कम ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन हम अभी घर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अभी देखते हैं, अभी कैली पहुंच चुकी है, घर के बाहर पहुंच चुके हैं हम। अभी देख पा रहे होंगे, अभी देखते हैं कितनी रिकवरी हुई है। इंजेक्शन से लगातार 2 दिन लगा रहे हैं, तो अभी देखते हैं वीडियो दोस्तों। कैली अभी अंदर वापस जाएगी या नहीं अपने आप से, या हमें फिर से लेके जाना पड़ेगा। जी हाँ, हमने स्कूटी को रोक दिया है, कैली अपने आप उतर चुकी है स्कूटी से। जी हाँ, ये रही पहले से रिकवरी है दोस्तों। दोस्तों प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग शैडो व्लॉग्स। फिर मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग शैडो व्लॉग्स।